दोस्तों स्नैपड्रैगन कंपनी ने अपना अगला प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 845 लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस प्रोसेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों स्नैपड्रैगन ने अपना अगला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845 लॉन्च कर दिया है। इस प्रोसेसर के अंदर आपको इनबिल्ट एंड्रीनो 630 जीपीयू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी मेन हाईलाइट है, ये प्रोसेसर आपको 4K यानी कि HDR रिकॉर्डिंग में 60 FPS प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें कि ये प्रोसेसर आपको फुल HD में कितनी देता है तो ये फुल HD की रिकॉर्डिंग में आपको देगा 120 FPS। और अगर बात करते हैं कि 720 यानी HD में ये आपको कितनी FPS देगा तो ये आपको 480 FPS रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। और बात करें कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ये प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा जो एकदम लेटेस्ट है। और बात करें कि इसकी स्पीड कितनी होगी तो ये आपको मिलेगा 1.8 GHz की हाई स्पीड के साथ। और अगर बात करें कि इसमें आपको ग्राफिक कितना मिलता है तो आपको उसमें जो पहला प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 835 उससे 30 गुना बेटर प्रोसेसर मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 30 गुना बेटर पावर एफिशिएंसी। और साथ ही साथ ये इसका ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर होने के कारण ये आपके VR और AR को एकदम आसानी से हैंडल कर पाएगा। जैसे पहले प्रोसेसर में होता था, अगर आप गर्दन इस तरह घुमाते हैं कई देर में वो तस्वीर उस तरह घूमती थी, मगर ये ज़्यादा लेटेस्ट है, इसमें आपको हाथों हाथ रियल टाइम व्यू देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि इसमें आपका फिंगरप्रिंट और IR स्कैनर और ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये और ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर और ज़्यादा सिक्योर होंगे क्योंकि ये आसानी से आपके फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट कर सकता है। और साथ ही ये फास्ट भी होंगे। आपने देखा होगा कई स्मार्टफोन में कई देर तक आपके फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करते, मगर इस स्मार्टफोन में ऐसा नहीं होगा, ये काफ़ी फास्ट है। और अगर बात करें कि ये आपको डाउनलोडिंग में कितनी स्पीड देगा, ये 4G वोल्टी की सपोर्ट करता है, ये 5G नहीं आया, 5G जल्दी आने वाला है, मगर ये आपको 4G वोल्टी सपोर्ट करेगा जिसकी स्पीड होगी 1.9 GBPS। और साथ ही ये सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ 5.0। ये एक नया लेटेस्ट प्रोसेसर है। और इसमें अगर बात करें कि आपको इसमें फोटो 4K में कलर कितना मिलेगा, आपको इसमें 10 bit कलर डेप्थ देखने को मिलेगा। ये एक बेहतरीन प्रोसेसर है, ये काफ़ी सुपर फास्ट होने वाला है, जल्दी ये आपको नए स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will see you in next one.